हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है नया दिन, उत्तराखंड में हमारा सेकंड डे है और यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा हो रहा है। अभी भी धूप आ रही है यहाँ पर, देखो अब देख रहे हैं हल्का हल्का। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, हम माता रानी को, उधर घंटी है ना, तो उधर घंटी में हमें चुन्नी लगानी, तो हम वो लगा के आते हैं। फिर हम यहाँ पर नाश्ता हो रहा है, तो हम फिर नाश्ता करके आएंगे, फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे फिर हम। तो गाइस अब आपको मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गाइस देखो कुंकली गांव का व्यू देखो कितना अच्छा, छत से तो और भी अच्छा दिखता है, यहाँ से देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब पेड़ ही पेड़ है। ये रहा वो घर जो पापा ने बनाया था, देखो बिल्कुल सेम बनाया था। और यहाँ पर सीढ़ी भी, और वहाँ पर दादी का सोने का भी है, और यहाँ पर देखो गाय भी है, और अंदर बकरियां भी है छोटी। और यहाँ पर अभी बकरियां चराने जा रही है। और ये पापा अभी हम मंदिर जा रहे हैं, और देख सकते हो उधर का व्यू कितना मस्त है। तो गाइस अब आपको मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अभी पूजा स्टार्ट होने वाली है और हम यहाँ पर खड़े हैं, देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कुंडली ग्राम के समस्त पितृ देवताओं की जय हो। बोलिए आज के आनंद की जय हो। यजमान परिवारों की जय हो। देवताओं की जय हो। बोलिए हर हर महादेव, नमः पार्वती।
अभी मैंने खाना खा लिया और देखो कितनी भीड़ हो रही है, मैंने पहले ही ले लिया था और बहुत मस्त खाना। तो अभी हम घर जा रहे हैं और पापा और तो वही मंदिर चले जाएंगे वापस। कुलदेव सिद्धि विचार से जो हमारी इष्ट सिद्धि हो, इष्ट सिद्धि के लिए सर्वप्रथम हम नागवंशी नागराज भगवान जी के चरणों में भी प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़ते हुए सब ध्यान गुरु जी के चरणों में क्या करना है, समर्पित करना है जो तुम्हारा मनोकामना चंद भी दर रखी मनमा। हे माता अब मन की का खबर सब तुम आजा लेकर यहाँ से भेंट लगे आने। अब एक माँ भगवान जी का माता के चढ़ गया झंडा चढ़ गया तो जो तुम्हारी मन इप्सित कामनाएं हैं जो झाली माली देवी जय झाली वाली देवी। झाली वाली देवी की कृपा से बहुत समय बाद आज हम अपर गांव में फिर सब लोग इकट्ठा हुआ और बहुत खुशी की बात कि जो लोग बहुत टाइम में नहीं अपर गांव में नहीं है ना या शायद पहली बार आने वाला वो लोग भी पहुंचे ना और विशेष जो हमारी दिशा ध्यानी से ना वो बहुत बहुत धैर्य से धन्यवाद कि वो अपर टीम से समय निकाले गए। माँ भगवती कृपा से दूसरा यानी नाम क्या है रीना। अब यहाँ पे श्रीमती रीना पटवाल जी उपस्थित हैं जो हमारी गमा बर्तवाल हाँ रीना बर्तवाल जी उपस्थित हैं। अब क्या चमोली की सुबह सब मंदिर में आ चुके हैं और अभी हमने भेंट भी लगा दी है तो अभी पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो दीपू भैया का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। सुबह से अभी रात बहुत हो चुकी है, देखो कितना अंधेर हो चुका है और अभी भी रात के 9:20 हो रखे हैं।
और यहाँ पर इतना अंधेरा हो रहा था कि लाइट के कीड़े भी आने लग गए वहाँ। कीड़े भी आने लग गए ये मतलब। और अभी मेरे को बहुत भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है। तो कहा जा रहा है कि अभी बन रहा है पनीर, तो मेरा फेवरेट है, तो अभी खाते होंगे। बहुत तेज भूख लग रही है। जलेबी भी है पापा की फेवरेट, तो देखते हैं। मैं खाने इसमें से ले लेना, दादा को उठाई बार दादा क्या सरप्राइज़ खाना आ गया। दादा देखे खाने पति को उठवा और अभी मैं वहाँ पर जाके दिखाऊंगा। उड़ी उठी है उड़ी उठी सो गाइस, आज है दीपू भैया का बर्थडे, तो ये रे बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। सो गाइस, अभी रात बहुत हो चुकी है और मेरे को नींद भी आ रही है। तो सबसे पहले हमने नहाया था आज, ठंडे ठंडे पानी से बहुत ठंड लगी थी, फिर बाद में लगने लगी थी। फिर बाद में हम वहाँ पर जब पूजा कर रहे थे, फिर हम वहाँ पर गए थे, देवी देवता नहाते थे और फिर बाद में हम आ गए थे। फिर बाद में हमने खाना खाया था और फिर बाद में हम ऊपर चले गए थे। पापा और झंडा, जैसे झंडा गाड़ते ना मैं यहाँ पर, तो झंडा गाड़ने गए थे। हर जगह जाते हैं, पूरी चारों दिशाओं में घूमते हैं। फिर बाद में जब खाना खा लिया था तब मैं भी चला गया था। फिर सब पूरे गांव वाले ऊपर चले गए थे मंदिर में, फिर झंडा गाड़ के फिर वहां पर पूजा होने लग गई थी। फिर बाद में पूजा खत्म होके हम नीचे आ गए। फिर बाद में अभी दीपू भैया का बर्थडे था ना, जिसमें मैंने आपको बताया, तो फिर हमने केक काटा और बहुत मस्त था केक। सो अभी नींद हो रखी है और कल हवन होगा, तो मैं आपका कल का भी व्लॉग दिखाऊंगा। सो गाइस, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।